सफाई करके निकालते हैं। सूप के साथ सर्व करते हैं, इसलिए मैं इसको फ्राई करके निकाल लेती हूँ। टोमेटो सूप बना रहे हैं, चिकन टोमेटो सूप, उसके साथ सर्व करेंगे। इसका बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी इसलिए कि बहुत ज़्यादा गर्म था ऑयल। ये थोड़े ठंडे होने के बाद ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाएंगे, तो इसलिए मैं पहले करी, फिर मैंने इसमें फ़िश को फ्राई करना है तो वो थोड़ा सा इसका जो स्मेल है ना वो आ जाएगी। तो ये काप मैंने इसके अंदर कर लिया। चलें जी, सूप के लिए हमें चाहिए 300 ग्राम का इतना बोनलेस चिकन चाहिए, उबले हुए 6 टमाटर चाहिए, लहसुन के जवे 2 चाहिए, यखनी 6 कप चाहिए, अंडा 1 इधर चाहिए, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, 2 अदद हरी मिर्चें हैं, हरी प्याज 2 खाने के चम्मच, फ्राई ब्रेड के स्लाइसेस जो मैंने कर लिए वो अलग से, सिरका 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच है, इसके कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, मक्खन 1 खाने का चम्मच, ठीक है। सबसे पहले बटर के साथ हम यहाँ पर फ्राई करेंगे लहसुन को, ठीक है। बटर मेरे पास है, इसको मेल्ट करने रखते हैं। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। इसके अंदर फ्रेश लहसुन डालेंगे, ये रहे, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं चॉप कर लेती हूँ, ठीक है जी। बस सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है हमारा। ये फ्राई हो रहा है लहसुन, और इसके अंदर जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर चिकन बॉईल करके रखा है, टोमेटो को बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उसको टोमेटो को मतलब स्किन उसकी रिमूव की और उसको ब्लेंडर में डाल के उसका हमने पेस्ट सा प्योरी सी बना ली, ठीक है। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि लहसुन का फ्लेवर आ रहा है। यहाँ पर हल्का सा, बल्कि इस चूल्हे पर रख लेती हूँ ताकि जल्दी हो जाए, टाइम थोड़ा सा कम है। यहाँ पर ले आती हूँ, आखिर में हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर और एक अंडे को फेंट के डाल देंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस इसका थोड़ा सा इंतजार करना है कि थोड़ा फ्राई हो जाए, खुशबू आए। बर्गर बन भी तैयार है, किलो जाएगी यखनी 6 कप के इतनी यखनी, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 6 कप आपने यखनी जब चिकन को बॉयल करेंगे तभी आप कर लीजिएगा, चाहे तो 1 अदर चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं आप चाहे तो। यखनी के साथ बॉईल किया हुआ चिकन, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च, ब्राउन शुगर, इसलिए इसमें सिरका भी डलेगा, ठीक है, ये सिरका, साथ में पिसे हुए टमाटर। बस इसके अंदर जैसे ही बॉयल आएगा, इसलिए कि टमाटर जो है वो भी हमने उबाल लिए गले हुए, चिकन भी गला हुआ है, सिर्फ इसमें बॉयल आएगा, बॉयल आने के बाद ये कॉर्नफ्लोर जाएगा इसके अंदर और 1 अदद अंडा, ठीक है। बाकी कुछ भी हमने नहीं डालना, बाकी यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन। तो अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं रिकैप सा। यहाँ पर चिकन टोमेटो सूप रेडी हो चुका है, साथ में केक भी रेडी हो चुका है।